साल भर हो रही बेमौसम बारिश नुकसानदायक साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन ने अब तक खरीफ और रबी के फसलों को प्रभावित किया है, लेकिन वर्तमान में मौसम बारिश ने नींबू उत्पादन को भी प्रभावित किया है। स्थिति ये है कि अब जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से नींबू के पेड़ बच नहीं पा रहे हैं। गर्मियों के सीजन में नींबू की मांग पूरे देश में हो रही है। बढ़ती मांग के कारण चौक बाजार में नींबू की कीमत 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 125 रुपये से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी ओर उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। खरीफ फसलों के मामलों में अब तक जो हुआ वह अब मौसमी फसलों के मामले में देखने को मिल रहा है। बादल छाए रहने के कारण पेड़ पर फल नहीं लग रहे हैं, इसके चलते उत्पादन आधा रह गया है। इसलिए नींबू के रिकॉर्ड कीमत के बावजूद किसानों को इसका फायदा नहीं दिख रहा है। वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे नींबू की कीमत भी बढ़ती है। इस साल भी नींबू की कीमत 50 रुपये से प्रति किलो बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो से 125 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश और मौजूदा बादल वाले मौसम का असर नींबू के पेड़ पर पड़ता दिख रहा है। इस साल प्रकृति की बेरुखी किसानों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। अब तक अंगूर आम के पेड़ बड़े पैमाने पर इनको नुकसान पहुंच रहा था और अब नींबू को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। इसलिए किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयोग विफल साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।